हे हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द डक एंड द कंगारू नामक पोयम के बारे में। ये जो लिखी गई है पोयम, वो एडवर्ड लियर जी के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस पोयम में क्या बताया गया। एक्चुअली इस पोयम में एक डक एंड कंगारू, जो यानी कि एक डक का और एक कंगारू, यानी कि बतख और कंगारू का एक कन्वर्सेशन दिखाया गया है। इसमें हमें बताया गया कि कैसे एक डक, यानी कि जो बतख है, वो ये चाहता है कि अपने आसपास का जो भी उसका एरिया पॉन्ड है, एक तालाब में वो रहता है, तो तालाब से निकल कर कहीं बाहर, जैसे एक जगह का इसमें नाम बताया गया डी एंड जेली बॉय ली, ये कुछ जगह है जिसका नाम बताया गया है। तो यहाँ पर वो घूमना चाहता है, लेकिन अब वो पॉन्ड में रहता है, ठीक, तो वो ऐसे नहीं घूम सकता। तो वो एक कंगारू से बात कर रहा होता है। कंगारू यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि उससे बातचीत कर रहा है वो, और दोनों में बातचीत चल रही है, और उससे वो ये कहता है कि मतलब एक तरीके से दोस्ताना बातचीत चल रही है, और वो उससे कह रहा है कि क्या तुम मुझे इस दुनिया में थोड़ा घुमा सकते हो, या मुझे यहाँ लेकर चलोगे, वहाँ लेकर चलोगे क्या, क्योंकि मैं अपने आसपास के पॉन्ड वगैरह में रह रह के बोर हो गया हूँ, या मैं घूमना चाहता हूँ। इस तरीके की कन्वर्सेशन चल रही है। अब जब ये कन्वर्सेशन चल रही है तो वो राजी नहीं हो रहा है उसको ले जाने के लिए, वो एग्री नहीं कर रहा है। कौन एग्री नहीं कर रहा है? कंगारू। कंगारू कह रहा है नहीं, तुम अगर चलोगे मेरे साथ या मेरी पीठ पर बैठोगे तो तुम्हारे पैर जो गीले हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें वो मना कर रहा है कि नहीं, मैं जो है अगर तुम्हें बिठाऊंगा अपनी पीठ पर, ठीक है, तो मेरे पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें बता रहा है वो। और ये भी कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। बट हमें यहाँ पर ये देखना, मतलब हम एज अ रीडर, या हम जो भी हम पोएम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो डक की फीलिंग है वो क्या है, उसको समझना है। वो ये चाहता है कि वो घूमे, ठीक है, वो उसके अंदर कुछ इच्छाएं हैं कि वो अब जाकर उन नई नई प्लेसेस को देखे, ठीक है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी को दिखाया गया, एक डक की जो क्यूरियोसिटी है, ठीक है, इसमें पोयम में वो दिखाई गई है। और कंगारू यहाँ पर मना कर रहा है उसे कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता, ठीक, मेरे को दिक्कत होगी, मुझे मतलब नहीं ले जाना है तुम्हें। मगर बहुत बहुत इंसिस्ट करने पर, बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर, जैसे तैसे कंगारू जो है वो मान जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, कंगारू माना क्यों? क्योंकि जो डक है वो ये कह रहा था कि मैं अपने लिए मोजे, जूते, जो भी उसको ज़रूरत पड़ेगी चीज़ें, ठीक है, वो खरीद लेगा और तभी उसके साथ आराम से चलेगा और उसे गीला भी नहीं लगेगा मेरे पैरों से। ये सब चीज़ें वो समझ रहा है, बता रहा है। तो कंगारू जैसे तैसे मान जाता है, और डक ये भी कहता है कि मैं शोर नहीं मचाऊंगा, सिर्फ क्विक क्विक करूंगा, ठीक है, जैसे कि बतख करते हैं। तो यहाँ पर वो उसको ले जाना के लिए जो राजी हो गया, ठीक है, वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा और तुम आराम से बैठ जाना, ठीक है, मेरी पूंछ के सिरे पर बैठ जाना, या ठीक है, और क्योंकि कंगारू तो अच्छा खासा बड़ा होता है, और डक जो है वो उसके पास, मतलब उसके ऊपर बैठ जाएगी और वो मतलब चलते चले जाएंगे और कई जगह वो घूमेंगे। तो वो रेडी हो जाता है, और फिर वो जो भी नाम यहाँ पर दिया है डी एंड जेली बॉयली, ये सब जगह वगैरह घूमते हैं, और पूरे जो मतलब एक तरीके से पूरी दुनिया घूमते हैं वो, ठीक है, कई बार पूरी पूरी दुनिया घूमते हैं और अच्छे से एंजॉय करते हैं अपनी राइड को, और डक को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे एक क्यूरियोसिटी या फीलिंग्स जो है एक डक की, वो हमें इस कविता के माध्यम से समझाई गई है। और हमें ये भी बताया गया है कि कैसे जो हमारे अंदर कुछ इच्छाएं होती हैं, हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं, ठीक, तो वो हम हमें करना चाहिए, हमें अपनी इच्छाएं बाहर निकालनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं पोएम के माध्यम से, हमें समझाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये जो डक एंड द कंगारू है, ये सिर्फ एक कन्वर्सेशन नहीं है, ये बहुत कुछ अपने आप में बताता है कि कैसे एक व्यक्ति जो जैसे मान लेते हैं, यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि कैसे, मान लीजिए दो लोग बात करते हैं आपस में, ठीक है, कोई भी दो इंसान अगर आपस में बात कर रहे हैं, वो कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, उसी तरीके से डक एंड द कंगारू यहाँ पर दोनों बातें कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को, और ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, मतलब उसको घूमना है और वो उसको ले जा सकता है, ठीक है, और हॉपिंग करके मतलब कूदते हुए वो ले जाएगा उसको, ठीक, और अच्छे से घुमाएगा सब जगह, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो हमें ये समझाने का प्रयास किया गया इस पोयम में कि हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, समझना चाहिए फीलिंग्स को भी, ठीक है, और अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है और वो जेन्युइन रिक्वेस्ट है, तो हमें उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।